लीडर ऑफ द अपोजिशन दिगर मिंबरान ने वाजे तौर पे कहा है कि आज सुबह वो बिल्कुल हुकूमत ना होने के बराबर है, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। वो तो अपोजिशन का काम ही कह देगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपके सामने अपनी रिकॉर्ड रख देगा। मई 2018 में बजट पास हुआ है, आज 10 माह गुजर गए, उस बजट उस पीएसडीपी में 10% काम नहीं हुआ है। तो ये हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो अपोजिशन नहीं, आप अपना कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहे हैं, देखो हमने किया है। अब ये इस तरह नहीं होगा अजगर अचकजई सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अजगर अचकजई सर, जब तक ये पूरा हुकूमत हमें यकीन दहानी ना कराए अपोजिशन को। जी जनाब स्पीकर, पूरा एक वाजे लाइन उस वक्त तक अपोजिशन के हम एहतजाज भी करें, सड़क पे भी एहतजाज करें, हम असेंबली के बाहर भी एहतजाज करें, तब जा करके ये हम अपोजिशन बैठेंगे। वरना जनाब स्पीकर ये पूरे आप 10 माह का अरसा ले ले, 8 माह का अरसा ले ले, मई में बजट पास हुआ, फिर हुकूमत आ गई जून जुलाई और अगस्त में, आज मार्च के आखिरी दिन है, अगले एक माह के बाद आप जो है ना 19-20 का बजट पेश करेंगे, लेकिन आपने 18-19 के बजट पे कोई काम नहीं किया है, तो ये किस तरह ये चल सकेगा। लिहाजा जनाब स्पीकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फौरी तौर पर एक ऐसी कमेटी अपनी सदारत में असेंबली के फ्लोर पे, एक मिनट, गवर्नमेंट का काम है पहले गवर्नमेंट अपना पेश करे, अगर उसमें नहीं है फिर आगे चीजों को ले जाएंगे करके ये होगा। जी सरदार की तरह सा जहर साहब, मैं आपके आपके अल्फाज का एहतराम करता हूँ, आप बहुत नहीं, वो आपके सारे पॉइंट इस तरह खड़े होने से नहीं होते। जी सरदार साहब, मैं इनके अल्फाज का एहतराम करता हूँ बिल्कुल। जी नहीं चाहते या बलूचिस्तान के लोगों को बल हुकूमत का मौकफ सुनना मौका नहीं देते, इनको सरा बिठा दे, हुकूमत का मौकफ सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा, ये हुकूमत के मौकफ से राय फरार अख्तियार कर रहे हैं, राय फरार अख्तियार नहीं करोगे आप लोग। भतीजे एक मिनट, भतीजे एक मिनट, मैं आप बोलेगी जनाब साहब, सरदार साहब बोले कि बंद कर दे, आप एक मुंह में बटिया डाल दे, खामोशी से बैठ जाए, 8 महीने से सुन रहे हैं आपको, क्रैश क्वेश्चनिंग पे नहीं होता है, आप इस चीज में हो ये जवाब दे, आप वो जवाब दे, सर नहीं होता है, आप कोई बात का जवाब दे, खुद सिंगल क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप सब बेवकूफ हो, वो क्रैश क्वेश्चनिंग में नहीं होता है, बेबसी का तो कम से कम इजहार करो यहाँ पे कि हम लोग सारे बेबस हैं। आपको जिस वजीर को आपको इलाके में ये अपनी नवियत का पहला वाकया है, चूंकि ये एक अहम मसला है, अखबारी तराशा मुंसलिक है, लिहाजा असम्बली की कार्रवाई रोक कर इस अहम और अवामी अहमियत के हामिल मसले को जेर बहस लाया जाए। जी असगर अचकजई साहब पढ़े। नहीं मैंने एग्रीमेंट नहीं किया था, मैंने रिपोर्ट मांगा था, मैंने रिपोर्ट मांगा था,
आप शोर करना है करें, मुझे देखे मैंने रिपोर्ट मंगाया था, परसों पेश हो जाएगा। अब असेंबली के कार्रवाई चीजें तो बढ़ानी है तहरीक मेरी के जनाब स्पीकर। मलिक नईम ने कहा कि 3 महीने में बच्चा कहाँ से आ जाएगा। देखो इस तरह नहीं होता असेंबली का कार्रवाई जनाब स्पीकर। एक मिनट आप खामोश हो जाएंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ बोलना। जब आप बोलने मुझे नहीं देंगे कहा चीजें। एक मिनट मुझे बोलने दे। मैं वही चीज करने जा रहा हूँ, मुझे बोलने दो। दे चलो आप लोग करें शोर, मैं नहीं करता। मैं उसी चीज पे जा, मुझे बोलने तो दे। एक मिनट मलिक साहब मुझे बोलने तो दे, मैं आप लोगों की बात करने जा रहा हूँ, आप बोलने तो दे। एक मिनट खामोश हो जाए, एक मिनट मुझे बोलने तो दे। तो मुझे बोलने तो दे। एक मिनट देखो, कानूनन कोई नहीं है बलूचिस्तान की रिवायत को, मैं आप लोगों के साथ हूँ। उसमें मेरा काम नहीं है, कानूनन में कोई नहीं है। मुझे सुने तो सही, सुन नहीं रहे। लांगो साहब मैं वही बात करने जा रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, वही बात करने जा रहे हैं। मुझे तो मौका तो दो। अब एक मिनट सुनी तो सही, तो वो बिठा रहा होना था, सुनो तो सही। एक दफा आप लोग सुने जिया साहब। अब एक मिनट एक जिया साहब, यार बैठे, प्लीज बैठे ना। क्या करें, बैठे ना। अब फोर्स ना निकाले, इतने बंदे नहीं निकाले जाते, नहीं होता है। एक मिनट ना, आप बैठे तो सही, आप मसले को खराब क्यों कर रहे हैं। बैठे, मैं मसला हल करने वाला हूँ। जियाजान मैं, मुझे आपको ऊपर निकालना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, उधर मैं खामोश कर रहा हूँ, आप उधर से शुरू। एक मिनट मैं वही बात करने जा रहा हूँ सना साहब। एक मिनट मुझे सुने तो सही। देखिए नहीं, आप लोग भी नहीं कर रहे ना मेरे साथ कोई कोऑपरेशन। मुझे सुने तो सही, कार्रवाई पे बाद में बात करेंगे। वैसे कार्रवाई में कानूनन कोई कदगन नहीं है, कोई परे। एक मिनट सुने तो सही ना, लेकिन बलूचिस्तान की रिवायत और अहम इशू के हवाले से गवर्नमेंट के, क्योंकि मेजॉरिटी भी सारे बैठे हुए हैं, कोरम भी नहीं टूटी हुई है, गवर्नमेंट से भी यही कहते हैं कि जब तक अपोजिशन प्रॉपर तरीके से चीज़ों को साथ नहीं, इस तरह करेंगे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि अपोजिशन को भी साथ लेके चलें। तो कल तक, मंडे तक नहीं, कब है अगला इजलास? 22। एक वही करेंगे। एक मिनट अगर साहब, तो मसला ये है कि खुश असलूबी से चीज़ें आगे बढ़ते हैं। अगर अपोजिशन का इस तरह का मामला है, मेरे ख्याल में हम चाहते हैं, गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रही है, और परसों PSDP की भी सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम देख दिखा देंगे कि क्या हो रहा है आपकी तरफ से गवर्नमेंट की। हम चाहते चीज़ें ऐसे हों कि ताकि आवाम को भी पता चले गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अपोजिशन जो उन्होंने रेज़ किए उनकी पॉइंट क्या है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में एक दूसरे के साथ ताउन की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इसको, सारी कार्रवाई को अगले इजलास के लिए मौखर कर दें। अगर क्या आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, सारी कार्रवाई को अगले इजलास के लिए मौखर कर दें। इस तरह नहीं होता ना, आपके आपकी बस करो ना, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी इजाजत है गवर्नमेंट की तरफ से?
सर दर्द कितना सर?